हेलो एंड नमस्कार, दिल से फिर एक बार आपको स्वागत है आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। हमारा आज का ये YouTube वीडियो में मैं आपको हम लोग जो दिसंबर महीने में पूरी घूमने गए थे उसी का कुछ पुराना मेमोरीज शेयर करने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताने वाला हूँ, जैसे कि आप पूरी घूमने जाने पर कुछ मोमेंटो कहाँ से खरीदे, पूरी के में बाहर खाना कहाँ से खाए, फिश फ्राई कहाँ से आपको अच्छा मिलेगा, होटल हम लोग जहाँ पे था वो कैसा था, ये सारा जानकारी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और साथ में पूरी के सी बीच में जो सनराइज है उसका बेहतरीन नजारा भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, प्लीज सबसे पहले नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, फिर पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आके वीडियो को चेक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त करें। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिए कि हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते है, मुझे बस सबका प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक देके हमें उत्साह दीजिए। तो हम लोग अभी घूम फिर के चिल्का का साइट सीइंग, चिल्का का जो चिल्का लेक का दर्शन करके, मतलब चिल्का लेक का मजा लेके पूरा हम लोग वापस आ गए हैं होटल रूम में जहाँ से सुबह में शुरू किए थे मॉर्निंग में। और आने के वक्त एक ऑटो आ रहे थे, उन्हीं के साथ 100 रुपये में आ गए। जाने के टाइम टोटो में 150 रुपये लिए थे। सस्ता का लगभग हम लोगों के इस होटल से जहाँ बस छूट गई है वो जगह लगभग 3.5-4 किलोमीटर के पास दूरी में है, तो टाइम थोड़ा लगेगा और शाम के टाइम पे खास करके होटल लौटने वक्त या जाने वक्त टाइम कुछ ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि ये सौदेदार के पास काफ़ी जैम है। ठीक है, रोड काफ़ी इस टाइम में पिकअप टाइम पिकअप सीजन है तो पूरा जैम है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ये है लाइट हाउस रास्ता और लाइट हाउस है, ये लाइट जा रहे हैं और ये हम लोगों का जो होटल है ये स्वप्न सागर वाला, यहाँ से भी रात को दिखता है वो मैं दिखाऊंगा आपको कभी। लाइट हाउस से लाइट अभी जा रहे हैं, तो चलिए हम निकले हैं अभी रात को कुछ फिश वगैरह देखते हैं मिलते हैं कि नहीं बीच के पास में फिश, वो जैसे मैंने दिखा वाला वीडियो में दिखाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी सारा होटल आपको दिखेगा, पूरी बीच रिसोर्ट, ये सब रिसोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी है 2-3 स्टार होटल, होटल नीलाद्री, ये देखिए होटल नीलाद्री ये वाला है, ऐसे कुछ बहुत सारा रिसोर्ट वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्ट मिल जाएगा, अगर आप काफ़ी हाई बजट है आपका तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। होटल श्री होड़ी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 क्रैब ऑर्डर किया और 2 ये पॉम्फ्रेट ऑर्डर किया, यहाँ पे 2 पॉम्फ्रेट ऑर्डर किया मैंने, ये 2 पॉम्फ्रेट फ्राई करके भी खाएंगे और 2 क्रैब साथ में खाएंगे। हम लोगों का पॉम्फ्रेट का फ्राई नॉर्मल ऑयल फ्राई है, ये पॉम्फ्रेट फ्राई जो ऑयल फ्राई होकर आया है, ये 2 पॉम्फ्रेट और 2 क्रैब फ्राई करके सब कुछ करके। टोटल 430। ये तारा प्लेस के सामने, ये वाला इसके सामने डायगोनली आके ये भैया के दुकान पे अब लोग ये सब मोमेंटो ले सकते हैं। मोमेंटो काफ़ी अच्छा रेट है, सस्ते में कर देंगे, तो आइएगा जरूर इन लोगों से, बच्चे के लिए चीज़ वगैरह खाना वगैरह लीजिएगा, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, पत्थर का बना हुआ है। तो
अभी हम लोगों का मेमेंटो लेना हो गया है और फिश वगैरह खा लिए, फिश तंदूर वगैरह भी खा लिए, खाना खा लिए और इसके बाद लौट रहे हैं। अब कुछ बैंगल्स वगैरह मिल रहा है, देखो तो ये बैग वगैरह लिए, बैंगल्स का दुकान दिखा है, देखिए बच्चे को देखे, बेटी को देखिए, एक लाइट लगा दिया है, बेटी उसे खींच के रख दिया है, वो जल रहा है, तो बेटी अपने हिसाब से इंजीनियरिंग पूरी कर रही है। 20 रुपये लिया, वो 20 मिनट भी नहीं टिकेगा, 20 मिनट भी टिक गया तो ही बहुत है, भूख पाते नीचे ना मजा बनाई, खंड नहीं चलता है। और यहाँ पे पूरी के सी बीच में आते हुए एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि इस लाइन के ऊपर में ऐसा फुटपाथ बना हुआ है, यहाँ पे चलिए, वो रास्ते में मत चलिए, क्योंकि गाड़ी आके कब बप को लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा, क्राउडेड होता है ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप तवा रोटी वगैरह खाना चाहते हैं तो ये देखिए सबसे सब हम लोगों का होटल है जीप गंगा, इनके बगल में, और यहाँ पे देखिए कोने में ही तवा रोटी बन रहा है, बस एक बिल्डिंग छोड़ के जीप गंगा का छोड़ के यहाँ पे कोने पे तवा रोटी बन रहा है, यहाँ से आप एक तड़का वगैरह रोटी सब कुछ लेके जाके होटल में खाना खा सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज है हम लोगों का 25th of December। तो पिछले साल इस दिन में हम लोग सुंदरबन पे गए थे और आज अभी पूरी में है आज का दिन पे, और पहली बार हम लोग अपने बेटी को साथ में लाए हैं। ये देखिए नींद से उठ के यहाँ पे चल रहा है, आपका भाभी जी वहाँ पे बैठी हुई है, हम लोगों का मुंह हाथ धोना हो गया है, फेस होना हाय कर तो हाय, मुंह हाथ धोना हो गया है कंप्लीट, और तो निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि वो सामने में ही पूरी सब्जी मिलते हैं, मूढ़ी चौप मूढ़ी मिलते हैं, हम लोग जिसे चौप मूढ़ी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल का फेमस, और चाय बिस्किट का दुकान तो एकदम होटल के गेट के बाहर ही डाइने और है, 5 रुपए का छोटा चाय, 10 रुपए का बड़ा चाय, पेपर कप में देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हाल कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखर के पड़ा हुआ है, और रूम का टूर आज दिखाएंगे थोड़ी देर के, मतलब घूम के आएंगे फिर रूम का टूर का शूट करेंगे, और आपको बताएं कि बस हम लोगों का चल रहा है, घूमना बहुत ही अच्छा हो रहा है, कल चिल्का देख लिए, उसके पहले दिन जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, और कल जाएंगे शायद कोणार्क टेम्पल, तो एक दिन बच्चे को लेकर आया है तो एक दिन करके रेस्ट कर करके जा रहे हैं कि थकान ज़्यादा ना हो, क्योंकि उतना घूम फिर के जैसे कल चिल्का से आए तो कल तकलीफ उतना नहीं हुआ, फिर भी वो रात को कुछ मोमेंटो वगैरह भी है और कुछ फीस वगैरह खाए वो भी दिखाया आपको। परसों हम लोगों का यहाँ से 28 तारीख का जाने का है, 28 तारीख मतलब कल है, आज है, कल है, परसों है, फिर उसके अगला दिन जाएंगे 25, 26, 27, 28 तारीख को हम लोगों का ट्रेन है। ठीक है, तो 28 तारीख का जो ट्रेन है हम अभी आज थोड़ा सामान पैक करके रखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे एक स्टोव और गैस लेके आए हैं, स्टोव और गैस सिलेंडर लेके आया है, जो किराया में लिया 30 रुपए करके स्टोव का पड़ा, ओवन का, ओवन सक्का, और गैस 150 रुपए के जी, तो मैंने बोला कि 600 गैस था, बोले कि बच्चे का बस पानी गर्म करना है, उबलना है, हम लोग तो खाना बाहर से ही खा रहे हैं, काफी मतलब हर एक टाइम में 2 प्लेट अच्छा स्टैंडर्ड फूड खाने के लिए 450 करके पड़ रहा है 2 लोगों का। ठीक है, मतलब दिन का अगर अब 2 बार खाना खा रहे हो तो 900 रुपए चले जा रहे हैं, और फिर ऊपर से ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर 1200-1300 रुपए खर्चा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो टोटल मतलब 2 जन का 1300 रुपए एक एक दिन, हर दिन 1300 रुपए सिर्फ खाने का लग रहा है, और ये होटल जो है रूम थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, वहाँ पे सोफा वगैरह है, कबर्ड है, यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, सब कुछ है, और यहाँ पे बेड सेट टेबल भी है, तो ये टोटल में आपको 1500 रुपए पर नाइट के हिसाब से मैंने लिया है, 6 दिन के लिए 9000 रुपए। ठीक है, और बाकी उनका टूर दिखाएंगे बाद में, तो कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह दिया गया है यहाँ पे, तो चलिए अभी निकलते हैं, और निकल के थोड़ा तो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इसी बीच में थोड़ा घूमेंगे और फिर आके नहाने के लिए तैयार होकर जाएंगे, निकलेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बाय। तो अभी परसों जहाँ पे ब्रेकफास्ट किए थे ये होटल से हम लोग उठा निकल के वहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए चले आए, ये पूरी सब्जी खाने के लिए। ठीक है, पूरी सब्जी खाएंगे यहाँ पे, 4 पीस 25 रुपये ऐसा कुछ लेते हैं शायद, भूल गया है, और इडली बड़ा वगैरह मिल रहा है, वो है हम लोगों का होटल, होटल स्वप्न सागर वहाँ पर, ये दीप गंगा इनके बगल में है, बगल वाला होटल हम लोगों का है, और ये पास में ही मिल रहा है पूरी सब्जी। ठीक है, यहाँ पे रात को रोटी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो चलिए पूरी सब्जी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले।
भी आ गया है हम लोगों का, मेरा पूरी यहाँ पे आ गया है और भाभी जी का इडली और बड़ा। पूरी के समुंदर में जो पानी का लेवल है वो कभी भी कहीं भी अचानक से बढ़ जाते हैं, तो आप जब नहाएंगेगा ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अपने साथ में आए हुए बच्चे का भी खास ध्यान में रखिएगा, बच्चे को लेकर ज्यादा डीप पानी के अंदर मत जाइएगा। अगर आप अकेले नहाने के लिए आए हैं तो आप अपना पैसा, मोबाइल फोन, ये सब कीमती सामान कोई नारियल वाला भैया के पास छोड़ के जा सकते हैं। बस नहा के आके उनसे एक नारियल का पानी पी लीजिएगा। और हाँ, होटल रूम का चाबी हमेशा होटल में ही छोड़ के आइएगा, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे ही आपका होटल रूम का डुप्लीकेट चाबी रहता है, तो बेकार में आप बाहर ले आके अगर खो देंगे तो उसके लिए अलग सा फाइन लग जाएगा। तो आज है 25th December का नाइट, मतलब इवनिंग टाइम, और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर में, थोड़ा सी बीच की तरफ घूमने के लिए निकलेंगे। चार्च यहाँ से काफ़ी दूर है और यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है यानी ऑटो टोटो ये सब जो है, बैटरी रिक्शा, ये सब का एब्सेंट रेट कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ही जाएंगे, सी बीच पे घूमेंगे और निकल जाएंगे। ये देखिए बेटी तैयार हो गई है, आपका भाभी जी भी यहाँ पे तैयार हो गई है, पूरा रेस देख लीजिए, भाभी जी तैयार हो गई है और ये हम हैं, ठीक है, ये देखिए मैं भी साथ में तैयार हो गया। और अभी जो टाइम हो रहा है इवनिंग का, वो देखिए वो हो रहा है 7:30, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लेट करके ही निकल रहे हैं क्योंकि एक बारी में डिनर करके आ जाएंगे 9:30 बजे तक, 2 घंटा, ठीक है। ये देखिए 25th December है, पूरा रास्ते में यहाँ पर जैम लग चुका है, इतना जैम, इधर बस उधर बस, सब जगह पे बस वगैरह सब लग चुका है। रात को जहाँ से डिनर वगैरह करेंगे यहीं से डिनर करेंगे। देखिए ये वाला लाइट हाउस के बगल में, यहाँ पे है लाइट हाउस और यहाँ पे है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, चिकन रोल, चिली चिकन रोल, वेज रोल सब मिलता है यहाँ पे। दादा कटा पर्यंत खुला था तुम्हारा? 11:30 यहाँ पे खाएंगे। ये हम लोगों का इवनिंग का जो चाय ऑर्डर किए थे, चाय आ गया है, चाय पी रहे हैं यहाँ पे, मेरा चाय बिस्किट। बेटी अभी क्या हुआ, बेटी हाथ से लगे पीछे में गई, बैलेंस नहीं कर पाया, खिल गई उधर और वहाँ पे जाकर फट से मुँह के बल गिर गई, पूरा बाल लग गया मुँह में, और ये टॉवल से साफ वगैरह कर दिया। बच्चे को साथ में लेकर अगर आप कहीं पे निकल रहे हैं तो आप बच्चे के लिए पानी, बेबी वाइप्स, टॉवल, बच्चे के ये सब सामान साथ में जरूर रखिए, क्योंकि कब कहाँ पे क्या हादसा या इंसिडेंट हो जाए आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये सारे सामान आपके पास रहने से आपको थोड़ा बहुत मदद इनिशियली मिल जाएगा। सी बीच पे बैठ के चाय पी लेने के बाद हम लोग जो दुकान ये सी बीच के आते टाइम दिखाए वहाँ पे ही रात के डिनर करने के लिए चले गए, क्योंकि नॉर्मली जो होटल में हम लोग खाना खा रहे थे सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक हर दिन 1100-1200 रुपए टोटल दो जन का खर्चा आ रहा था, तो आज सोचे के रस्ते का यही स्टॉल से रात का डिनर कर लेते हैं, और यहाँ का आइटम काफी अफोर्डेबल और खाना भी अच्छा था। वही इवनिंग पे जहाँ पे सिविक जाने का टाइम दिखाए थे वहीं पे अभी चाउमीन खाने के लिए चले आए हैं, और चाउमीन कैसे बनाएंगे ना बनाएंगे वो तो पता नहीं, इसलिए पहले हाफ ऑर्डर किए हैं, अगर अच्छा लगा तो बाद में ऑर्डर करेंगे, और पहले हाफ एक प्लेट ऑर्डर किए हैं, खा के पहले देखते हैं खाना बनाते हैं कैसे बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग खाएँगे
पहले हाफ बना के मैं पहले बोला है। एक चिकन चाउ हम लोगों का आ गया है, एक चिकन चाउ यहाँ पे ठीक है हाफ प्लेट 50 का, और बेटी और मेरे आपका भाभी जी यहाँ पे वो डॉगी के पपीज देखने गए हैं। पपीज हुए तो हम लोगों का अभी हो गया है डिनर कम्प्लीट, वहीं से डेढ़ प्लेट चाउमीन खा लिया और अभी ये होटल में वापस जा रहे हैं। ये होटल पे आ गए, यहाँ पे खड़े हैं कल से पहुँचने के पहले, यहाँ से थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हो गया था, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए किसी दुकान से। ये होटल ठीक है, ये होटल ये कोने पे चाय का दुकान छोटा सा ठेला जो बंद है, वो जो बाइक लिखा हुआ है वहाँ पे, और ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहा है 6 और आप लोगों को सनराइज़ दिखाने के लिए जैसा मैंने कहा कि सनराइज़ दिखाऊंगा, 6:19 में सनराइज़ होगा। तो होटल से निकल कर अभी मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पे ठंडा है झूठ नहीं कहूँगा, यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 17 या 18 ऐसा कुछ टेम्परेचर अभी देखा मैंने जस्ट, और बाहर का नज़ारा भी दिखाता है, सी बीच की तरफ जा रहे हैं, वो पीछे रह गया हम लोगों का होटल वो निकल के, तो सी बीच में जाएंगे स्टैंड वगैरह लगाएंगे। ये देखें स्टैंड पीछ बैकपैक में ले लिया, यूट्यूबर बनना आसान नहीं होता है, मेहनत कर रहा है, देखते हैं कब तक फल मिलता है, करते जाओ, अच्छा लगता है मुझे, वीडियो बनाते हैं मेमोरीज बन जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं, सनराइज दिखाते हैं आपको। हाँ तो ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है तो मुझे ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, है ना। चलिए इसी बीच में मिलते हैं, बताते यहाँ पे नज़ारा देख लीजिए, मैंने ये मेरा 7 फुट का जो स्टैंड है 7 फिट का ये लगा दिया है, इसे मैं मेरे घर बांकुड़ा से कैरी करके लाया सिर्फ ये सनराइज़ का सीन और सनसेट का सीन को शूट करने के लिए, इसे मैं वहाँ से कैरी करके लाया पूरा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सुबह में मॉर्निंग में, ठीक है सुबह हो रही है, तो चलिए फटाफट मैं स्टैंड पे फोन को चढ़ा देते हैं और वो लाइट हाउस से हम लोग आए हैं उसी रास्ते से, ठीक है, और यहाँ पे बैग बैग वगैरह लेके आ गया हम स्टैंड पर, अभी फोन को चढ़ा देंगे, घड़ी पहन के आना भूल गए, सोचा के पहन लेंगे लेकिन नहीं पहने, ठीक है, तो टाइम हो गया है लगभग लग रहा है, ये देखिए इधर लाल हो गया है ऑलरेडी, 6:19 में सनराइज़ होगा, स्टार्ट कर देंगे थोड़ा दिखेगा, तो अभी रेडी करके रखे हैं, चले बैठते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को हमारा जो रूम था ये होटल स्वप्नो सागर पे उसका नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रूम नंबर 305 है और यहाँ पे रूम पे ये एंटर करते ही ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है तो इसका प्राइस काफ़ी कम है, 1,500 रुपये पर नाइट के हिसाब से हम लोगों को मिल गया। तो ये देखिए यहाँ पे एक पहले ही आके है एसी रूम है, एसी वहाँ पे है, विंडो है एसी, तो यहाँ पे कार्टन के साथ एक विंडो है नॉर्मली, तो एसी रूम है तो खोलते नहीं हैं हम लोग। यहाँ पे एक सोफा सेट है, टेबल है, रूम जो है काफ़ी बड़ा है, लगभग 10 बाई 15 का एक रूम है, ठीक है 12 बाई 15 का, ठीक है ये 6 बाई 7-6 का एक बेड है किंग साइज, ठीक है काफ़ी बड़ा बेड है, बेड साइड टेबल है ड्रायर के साथ, यहाँ पे भी ड्रायर है, मिरर सेट है, हम लोग ये स्टोव ओवन जो रेंट पे लिए थे वो तो उस दिन बताया आप लोगों को, और यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए जगह है, काफ़ी क्लीन है, ठीक है, और ये टेबल पे आप बैठ सकते हैं आराम से, और ये अंदर में एक ये वार्डरोब है शर्ट वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ठीक है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रूम काफ़ी बड़ा है, लगभग
ये 12x15 का एक रूम है, ठीक है। और ये देखिए टॉयलेट ऐसा है, यहाँ पे टॉयलेट, सिंक, रेल है, यहाँ पे गीजर है, शावर है, शावर में गर्म पानी आते हैं, ठीक है। बाल्टी मग यहाँ पे है, काफी क्लीन है टॉयलेट, ठीक ठाक एकदम। ये काम नहीं करता है, टब अभी अंडर मेंटेनेंस में है, कंस्ट्रक्शन में है तो मेंटेनेंस के अंडर में है, टब नहीं काम करते हैं। तो ये रूम हम लोगों को 1500 रुपये करके पड़ा, क्योंकि इसका पूरा सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसी हिसाब से ये रूम काफ़ी हाई प्राइस है। हाँ, और एक ये रूम का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, चार्जिंग जो पॉइंट है वो फिलहाल एक ही है, बाद में बेड साइड में लगा दिया जाएगा वहाँ पे कहीं पे, तो ये मैंने बताया चार्जिंग पॉइंट एक ही है फिलहाल, ये आप ध्यान में रखिएगा। टीवी है, टीवी सेट, टीवी यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। टीवी में लोकल चैनल के साथ नॉर्मल स्टार प्लस वगैरह सब कुछ आते हैं। तो ये था हम लोगों का रूम, रूम काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, ठीक है। तो रूम रिव्यू ये रहा। एक बात बताना भूल गया कि ये रूम पे फैन ही है, एसी है, लेकिन फैन का रेगुलेटर फिलहाल ख़राब है, फुल स्पीड में फैन मूव करता है, ठीक है, रेगुलेटर फिलहाल कुछ ख़राब है। तो ये एक बात यहाँ पे है, अभी बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। ये कॉमन स्पेस एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग सेकेंड फ्लोर यानी 3 माले पे है, ये और रूम है, यह हम लोग का रूम 305 था, ठीक है। और यहाँ से छत पे आप आके अपना जो समुंदर से नहा के वगैरह आएंगे, तो आने के बाद ही ये छत पे आप कपड़े वगैरह अपना सुखाने के लिए टांग सकते हैं, मेल सकते हैं। तो ये देखिए ये छत का नज़ारा है, कपड़े सुखाने के लिए काफ़ी जगह है। और ये सबसे बड़ी बात, ये लाइट हाउस के एकदम बगल में ये रहा लाइट हाउस, ये रहा हम लोगों का होटल, और ये रहा समुंदर सामने, देख रहे हैं आपका लहर भी दिख रहा है आपको यहाँ से, एकदम यहाँ से सामने का होटल, ठीक है, समुंदर का सामने ही ये होटल है। और नीचे खाने का दुकान, वहाँ पे आपका भाभी जी पूरी सब्जी वो इडली बड़ा खाने के लिए गया है। यहाँ पे एक फैमिली रेस्टोरेंट है, वो देखिए बाइक स्कूटी रेंट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे वाला ये वाला बोर्ड है, फैमिली रेस्टोरेंट है। इधर भी है पास में गैस रेंट है, वाइन शॉप, अगर आप दारू का शौकीन है तो ये वाला राइट साइड में वो जो ट्रैवलर खड़ा हुआ है उसके बगल में ही है, एसी इसी ट्रैवलर के बगल में ही है। तो इतना करीब में सब कुछ है, और रोटी वगैरह हैंडमेड रोटी यहाँ पे मिलता है, चाय का दुकान एकदम होटल से निकलते ही डाइन है। और ये देखिए मैंने पहले भी आपको दिखाया, तो ये सब है, यहाँ से एक व्यू ले लेते हैं। आपको दिल से ढेर सारा प्यार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो जरूर एक लाइक देके हमें उत्साह दीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये सब तो आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे आपको और मुझको, हम दोनों को एक साथ ग्रो होने का मौका मिलता है। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ। ऐसे ही और ट्रैवल ब्लॉग वीडियो लेके मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। तब तक के लिए हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके हमारे पास में रहने के लिए, हमारे साथ में रहने के लिए आपको दिल की गहराई से फिर एक बार ढेर सारा प्यार।